नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनने वाले नाश्ता की रेसिपी। बिल्कुल नए तरीके के नाश्ता, जिसे आप इस बारिश के मौसम में जब भी कभी खाने का मन करे तो इस नाश्ता को बना के खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगा और बिल्कुल भी मसाले हम इस नाश्ता में यूज नहीं करेंगे और ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट, आप देखें कितना बढ़िया बना है। और इसे बनाने के लिए दो मीडियम साइज के हमने आलू ले लिए हैं और इनको छील लिया है। आप यहाँ पर उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इस तरह से आलू कच्चे लिए हैं तो इनको छील कर पीसेस में कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारे आलू पीसेस में कट कर लेंगे पहले, और अब हमने इन्हें कट कर लिया है तो इन्हें हम धुलकर उबालने के लिए रखेंगे। तो किसी भी पैन में हम इसे डाल देंगे और साथ में एक कप पानी डाल देंगे और इनको धीमी आंच में उबलने देंगे। आलू को हमें अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है तो इन्हें पकने देते हैं। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इस तरह से इन्हें चेक कर लेंगे कि आलू हमारे उबल गए हैं कि नहीं। इस तरह से हम दबाकर देखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट आलू उबलकर तैयार हुए हैं। अब हम इन आलू को निकाल लेते हैं और इन्हें अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। और मैंने इन आलू को निकाल लिया है, हल्की से गर्म है, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है हाथों से, ताकि हम इन आलू को छू पाएँ। अब हमें इन्हें मैश कर लेना है, तो आप हाथों की सहायता से भी इन्हें अच्छे से मैश कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से इसे अच्छे से मैश कर दिया है, आप देखिए कितने बढ़िया आलू मैश हो गए हैं। इसी तरह से हमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें गुल्ठे ना रहें। और आलू को अब हम हाथों से भी इस तरह से मैश कर लेंगे। और यहाँ पे हमने जिस छन्ने में आलू उबाल कर निकाले थे उसी से हम इस आलू को इस तरह से मैश करते हुए छान लेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आलू के क्रिस्टल हैं वो बिल्कुल भी हमारे नाश्ते में नहीं आएंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम नाश्ता अच्छे से बनके तैयार होगा। नाश्ता बिल्कुल भी फटेगा नहीं, ना ही कढ़ाई में खुलेगा, और बढ़िया नाश्ता आप बना के तैयार करेंगे बिना मसाले के। और इस तरह से मैंने आलू को अच्छे से रगड़ के निकाल लिया है, आप देखेंगे ये एकदम बढ़िया आलू एक सा मैश हो के निकल आया है, एकदम चिकना हो गया है आलू, कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा आप करेंगे तो ये इजीली निकल आता है, या फिर आप अच्छे से हाथों से ही इस आलू को मसल कर चिकना कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, तो मैं सिर्फ इसमें नमक ही डालने वाली हूँ मसाले में। और यहाँ पे अब हम 2 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे और 2 चम्मच ही हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और 1/4 चम्मच ही हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाला है और हाथों से हमें अच्छे से गूंद के तैयार कर लेना है। और देखिए कितना बढ़िया ये सॉफ्ट डो लग के तैयार हुआ है। ऐसा लग रहा है कि ये मावा हो, पर ये मावा नहीं है, आलू ही है। और इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे और इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। इस नाश्ता में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस आलू उबाल कर आप रख लीजिए और जब मन करे तब इस नाश्ते को बना के खा सकते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी सा बढ़िया लगता है, जैसे फ्रेंच फ्राई लगता है ठीक उसी तरह से ये नाश्ता लगता है। तो अब मैंने इसे इस तरह से रोल कर लिया है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, मीडियम साइज़ का रोल है ये।
अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। तो मैंने पहले ये बड़ा था तो दो हिस्से में कट कर दिया। अब इसके छोटे छोटे इस तरह से हम काट लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ के रोल को काट लिया है। काटने के बाद अब हम इसमें डिजाइन बना देंगे। बहुत ही इजी तरीका है इसके ऊपर डिजाइन बनाने का। और एक फॉक की सहायता से अब हम इसको इस तरह से दबाएंगे। बस हल्के हाथों से दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है इस तरीके से। और सारा नाश्ता बस हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। मैंने इस नाश्ता को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आप चाहें तो इसमें मिर्ची, अदरक, लहसुन पीस कर भी मिला सकते हैं अगर चटपटा खाना चाहें। और अब हमने इनको बनाकर एक प्लेट में निकाल लिया है। देखें कितना बढ़िया सुंदर हमारा नाश्ता लग रहा है। अब हम इसे तल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छा तेल हमारा गरम हो जाएगा तो हम इस नाश्ता को डाल देंगे। और जितना कढ़ाई में आएगा हम एक साथ डाल देंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हमें डालना है। और सारा नाश्ता हम इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। आज की रेसिपी आपको नाश्ता की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब इनका नीचे से कलर चेंज हो जाएगा तभी हम इन्हें पलटेंगे, इससे पहले नहीं पलटेंगे क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट है अभी। और जब ये सिक जाएगा तो ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये नीचे से सिक गया है, आप देखें बहुत ही हल्का है तो फूल गया है और तैर के ऊपर भी आ गया है। तो अब हम इस नाश्ते को इस तरह से चलाकर पलट देंगे। बस इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। और चाहे जितने बार आप चलाएं कुछ भी नहीं होने वाला है, ये अच्छे से सिकेगा। अब तो बस इस तरह से पलट पलट कर अच्छे से सेक लीजिए जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। या फिर आपको जितना क्रिस्पी पसंद हो उस हिसाब से भी इस नाश्ते को सेक सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको और ज़्यादा ब्राउन टाइप कर सकते हैं। और अब हमारा नाश्ता देखिए सिक गया है, इसमें एक परफेक्ट कलर आ गया है। अच्छे से हमने इसे सेक लिया है और अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। तो सारा नाश्ता अब हम इस तरह से निकाल लेते हैं। इसी तरह से अब हम बाकी के नाश्ते भी बना के तैयार करेंगे। तो बाकी के भी अब हम सेक लेते हैं। और क्रिस्पी सा, यम्मी सा, टेस्टी सा हमारा नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे टमाटो सॉस या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। जितना बढ़िया ये देखने में लग रहा है खाने में उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रंची है। मिलेंगे हम इसी तरह की नई